हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दें SGM नगर में है, यहाँ मौके पर देखिएगा 112 बुलाई गई है। फिलहाल के तौर पर जितने तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं, अच्छी खासी भीड़ यहाँ मौके पर मौजूद है। भाई जी, क्या हो गया? एक बार कुछ मामला है क्या? टूट गया लड़का छत से, आपके घर वाले के साथ लड़ाई चल रही थी। अच्छा अच्छा, उसी बात के बाद जोश में टूट गया। अच्छा अच्छा, ये कब का मामला है, कुछ पता चला? थोड़ी देर पहले। अच्छा, चलिए और जाने की कोशिश करते हैं। ये SGM नगर का बता रहे हैं, चाचा चौक समथिंग क्या है, कुछ मामला है, राधा चौक है, यहाँ पर मामला सामने आता है। देखिए मौके पुलिस पुलिस बुलाई गई है फिलहाल के तौर पर। जानने की कोशिश करेंगे कि कौन है, क्या है, पूरी जानकारी क्या थी फिलहाल के तौर पर। कुछ और है ना, आप देखिएगा फिलहाल के तौर पर। देखिए पुलिस मौके पर ये पहुँची है, देखिएगा शायद चेहरा वेरा तो नहीं है। भाई जी क्या हुआ? भाई जी कुछ मामला पता चला क्या हुआ? हैं क्या हुआ, कौन? अच्छा, अभी कब का मामला है ये? अभी थोड़ा एक बजे का मामला है। एक बजे का मामला है। अच्छा, कौन था युवक, पता चला कुछ? मियां बीवी लड़ाई हुई थी आपस में। अच्छा अच्छा, फिलहाल के तो देखिए पुलिस मौके पर है। फिलहाल में जाने की कोशिश करेंगे। चेहरा और अभी चेहरा ढका, चेहरा खुला भी नहीं। कुछ मामला पता जी, भाई जी क्या हुआ, कुछ मामला पता चला? हैं कुछ पता चला भाई जी, क्या कुछ मामला, किसे यहाँ खड़े सर? सर क्या हुआ, मंजिल से गिर गए थे वैसे? कौन उस वाले से? कब का मामला है, कौन था युवक? अच्छा, फिलहाल में देखिएगा, फिलहाल में तो है जिसने में देखिएगा SGM नगर में खड़े हैं। SGM नगर में राजा चौक है ये एरिया। एक युवक का शायद पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हो जाता है और युवक शायद छत से कूद जाता है या धक्का मारा जाता है, ये तो भी जांच का विषय। लेकिन फिलहाल के तौर पर मौके पर देखिए पुलिस पहुंची पड़ी है। तमाम देखिएगा जिस तरीके से भीड़ यहाँ मौके पर है, फिलहाल में जाने की कोशिश करेंगे। देखिएगा ये देखिए 112 बुलाई गई है, कोशिश करेंगे कि जाने की कोशिश करेंगे मामला कौन था, क्या था, वजह क्या थी। अच्छा ठीक है, फिलहाल में देखिएगा आप बड़ी जाने की कोशिश करेंगे कौन लोग थे ये, भैया कौन थे, क्या आपको जानकारी, क्या था मामला? क्या हुआ? मुझे नहीं जानकारी। अच्छा अच्छा, अभी फिलहाल में देखिएगा क्या हुआ अंकल जी, कुछ जानकारी, कुछ क्या था जानकारी, क्या मुझे नहीं पता। अच्छा जानकारी आपको नहीं पता। अच्छा ठीक है, तो देखिएगा जिस तरीके भीड़ मौके पर, ये है परिवार, ये यही परिवार है जी, परिवार है। क्या हुआ था, क्या हुआ था पता नहीं, क्या है मतलब छत से कूद गया, कहाँ, कौन से? ये वाली जो ये फिलहाल में। अच्छा ये कौन है, जो बैठे बैठे कौन है? ये मिसेज है। अच्छा पूछते हैं, अगर ये भाई पूछते हैं, अगर भाई तो जानकारी दे पाए, अभी फिलहाल के तौर पर अगर जानकारी दे पाए तो मैं कोशिश करते हैं। कुछ जानकारी दे पाओगे कौन था, क्या कुछ जानकारी दे पाएंगे आप? बता रहे थे कि शायद आप दोनों में लड़ाई हुई थी, ऐसा कुछ मामला आ रहा था? नहीं नहीं, हाँ जी कुछ लड़ाई नहीं हुआ था, कुछ लड़ाई नहीं हुआ था। बोले तो सूरज की आई है, मेरे पास टाइम नहीं है, आप ले जाइए, एक हफ्ते के अंदर छोड़ जाइएगा। झगड़ा चंदर से नहीं हुआ, इतना बढ़िया से विदाई किए थे। अपने वहाँ से लड़के को लेकर भाग आए, तो मैं सोचा कि विदाई नहीं करेंगे, इसको आए थे छोड़ने की, हम चले जाएंगे इसको छोड़ के। तब तक कितने में कूद गए, कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिए। अच्छा, कितने टाइम पहले शादी कब हुई थी? हो गया साल भर। साल भर पहले शादी हुई थी। अच्छा साल भर हुआ। कुछ और वजह थी आप बता, कुछ और वजह थी बता पाए तो आप? हैं हाँ हाँ आपके गले पर कुछ निशान भी है, कैसे, कुछ लड़ाई बड़ाई हुई थी, निशान भी आपके? अच्छा आपके आपके गले पर निशान भी है काफी कुछ। अच्छा तो आज भी लड़ाई बड़ाई हुई थी कुछ ऐसे, मतलब आपको छठ पूजा में नहीं भेजना चाह रहे थे? हाँ अच्छा अच्छा हाँ हाँ
गाय ने बैठ ही रहा है तब तक ये भाई मिलने के लिए कहा भाई सूरज भाई तुमने कूद के मार रहा है। क्या हुआ था क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था कुछ नहीं हुआ था लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ था। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देखिए फिलहाल के तौर पर छठ पे आपको भेजना चाह रहे थे वापस, मतलब घर भेजना चाह रहे थे छठ पर। ने बोले थे ना कि मम्मी मेरे पास टाइम नहीं है आप लेके जाइए एक हफ्ते के अंदर भेज दीजिएगा हम नहीं पहुंचा देंगे। देखिए फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं डेड बॉडी यहीं पड़ी है, खून से लथपथ है। तो फिलहाल के तौर पर पुलिस यहां पर उसको ऑटो से बी के अस्पताल पहुंचा रही है। फिलहाल में तमाम जितने साथी हम डेड बॉडी नहीं दिखा सकते फिलहाल के तौर पर, तो तमाम जितने साथी देखिएगा ऑटो से देखिए इसको रखा जा रहा है। ये देखिए मौके पुलिस पहुंची पड़ी है फिलहाल में। ये तमाम जितने हमारे साथ देख रहे हैं फिलहाल में एक साल पहले ही शादी हुई थी और ये देखिएगा फिलहाल के तौर पर छठ पूजा को लेकर पूजा पाठ को लेकर थोड़ा सा होता है घर भेजने के लिए, वाइफ को घर भेजने के लिए बात चलती है, टाइम नहीं है। तो यहाँ मौके पर जिस तरीके से आप दादी आंटी जी अगर बोल पाओगे आप क्या हुआ था? भैया दो दिन जब सही रात की रोड के चले हाँ अरे भैया कल सात बजे तलाम पहुँचाया नहीं गई कल कल करे रही मोटारी के बुला के मोटारी बिटिया दो लड़ती रही फिर जा रही थी तो लड़का बोलो कि हम बिटिया ना थे तुम छठ पूजा कर रहे ठीक है हम नहीं जाए हम ना जाए भैया पापा वहीं पे आएंगे फिर। अच्छा पूछ लो क्या बात है पूछ लो अगर बता दो। अच्छा फिर फिलहाल के तौर पर देखिए ये माँ है बेटे की माँ है या दादी है फिलहाल के तौर पर जिस तरीके से देखिएगा तमाम देखिए मौके पुलिस भी है आज जानने की कोशिश करेंगे। पुलिस मौके पहुंची पड़ी फिलहाल के तौर पर क्या मामला था एक बार जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या मामला था कुछ जानकारी मिल पाई हो तो सर? अब फिलहाल में युवक की कूदने या कुछ ऐसे मामला आ रहे कि युवक की डेथ हो जाती है बस थोड़ी सी जानकारी दी थी, जानकारी क्या मिली बस जानकारी की। अच्छा अच्छा हाँ जी क्या आप ही दे दो जी। अच्छा तो देखिए फिलहाल के दौरान पुलिस मौके पहुंची है एसडीएम नगर थाना पड़ता है यहाँ पर। देखिए जिस तरीके से फिलहाल तमाम साथी हमारे साथ देख रहे हैं फिलहाल के दौर पर देखिएगा ये अच्छी खासी गली में भीड़ है और यहाँ तीसरी मंजिला यही है तीसरी मंजिला जी यहाँ से तीसरी मंजिला ये देखिए ये वाला यहाँ से तीसरी मंजिला से युवक नीचे कूद जाता है। फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं यहाँ पर दिखा नहीं सकते जमीन पर काफ़ी ब्लड बिखरा पड़ा है। तो मौके पर देखिएगा ऑटो में डेड बॉडी को फिलहाल बीके भेजा जा रहा है। तो तमाम जितने आप साथी हमारे साथ जुड़े पड़े हैं परिवार के सदस्य यहाँ पर अच्छे खासे मौजूद हैं फिलहाल के तौर पर जो पति पत्नी है जो उसकी तरीब मायके के पति जो पत्नी है लड़की है उसकी मदर भी यहाँ पहुँची पड़ी है। लड़के के खुद परिवार वाले यहाँ मौके पहुँचे पड़े हैं। तो फिलहाल के तौर पर देखिएगा जिस तरीके से भीड़ यहाँ मौके पर अच्छी खासी इकट्ठी हो रही है पुलिस से फिर भी जानेंगे कि मामला क्या होता है कि मामला की वजह क्या थी क्या रहा कि जिस तरीके से परिवार के लोगों को यहाँ फिलहाल के तौर पर बीके भेजा रहा है। ये देखिए ये पत्नी है और ये फिलहाल में सास है मतलब लड़के की सास है। एक साल पहले ही युवक की शादी होती है एक बच्चा भी है। ये देखिए मौके पर जिस तरीके से आपको कुछ जानकारी थी क्या हुआ था कुछ ऐसा कुछ कुछ नहीं जी मैं तो यहाँ पे आए तो कैसे। अच्छा कुछ ऐसा देख रहे हैं कि गले पर निशान भी है लड़की के लड़ाई वड़ाई होती रहती थी इनकी कुछ ऐसा? हाँ जी कुछ जानकारी आप सबको जी आप तो यहीं रहते हो हैं कुछ आपको जानकारी निकल के आई हो हैं कुछ जानकारी नहीं है रहता ही नहीं था ना एक नंबर गली में कहीं रहता था लड़का आया हुआ था। तो तीसरे फ्लोर से कैसे कूद गया फिर ये पता नहीं कोई आपस में बात हुई क्या हुई अब ऐसे यहाँ काम करता था या फिर यहाँ पर घर है यहाँ के मम्मी पापा रहते थे। अच्छा यहीं पे ये रहता था एक नंबर गली में कहीं लड़की के मम्मी पापा लड़के के लड़के के मम्मी पापा यहाँ रहते थे आगरा कहीं किसी डेथ हुई है वहाँ के। अच्छा वो अब आ रहे हैं रस्ते में अच्छा वही बताएंगे आगे क्या। तो ये हस्बैंड वाइफ दोनों यहाँ नहीं रहते थे? नहीं वो एक नंबर गली में किराए पर रहते। अच्छा एक नंबर गली में किराए पर रहते थे यहाँ पर लड़का यहाँ से कूदता है लेकिन। अच्छा अच्छा आपको दादा लड़की जो है परिवार है जो लड़का कहते हैं हस्बैंड वाइफ दूसरी जगह रहते थे यहाँ पर लड़के के माता पिता रहते थे फिलहाल के तौर पर मौके पर यहाँ मौजूद नहीं हो कहीं बाहर गए हुए हैं। तो अभी फिलहाल में आते हैं तो जानकारी जुटाई जाएगी कि क्या फिलहाल में रहता है। 112 यहाँ देखिए क्या पहुँची हुई है ये देखिए पुलिस की पूरी टीम है यहाँ पर है फिर भी कोशिश करेंगे कि एक बयान ले सकें। सर कुछ जानकारी तो दे दो थोड़ी सी जानकारी दे दो सर क्या सूचना मिली थी बस सूचना क्या मिली थी बस ये सूचना बता दीजिए बस। सूचना मिली थी एक लड़का 15 साल का छत के ऊपर से गिर गया है हाँ तो उसके ऊपर अभी कार्रवाई कर रहे हैं इसके प्रिजन आए नहीं है। अच्छा अच्छा है नहीं यहाँ। अच्छा लड़का मतलब कहाँ काम करता था या ऐसा कुछ और काम वाम नहीं करता था लड़का
क्यों दादी और परिवार आरोप लगा रहा है कि शायद इन दोनों में लड़ाई भी बाजी है, हस्बैंड वाइफ में? अभी कुछ पता नहीं चल पाया, आगे जैसे पता चलेगा बता देंगे। ठीक है, तो देखिए पुलिस भी साफ साफ कह रही है कि अभी फिलहाल मामले की जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी मिलेगी उसके बाद जानकारी का निकल के आएगा। लेकिन चलिए जो भी गलत है या जो भी सही है पुलिस को जाँच का विषय है। फिलहाल के तौर पर SDM नगर पहुँचे हैं और SDM नगर का ये राजा चौक बताया जा रहा है, राजा चौक है ना ये। हाँ, तो फिलहाल के तौर पर तमाम देखिए साथ पुलिस भी जा चुकी है यहाँ से और डेड बॉडी भी है वो बीके पहुँचाई गई है। फिलहाल में देखिएगा अच्छी खासी यहाँ मौके, भीड़ देखिएगा जिस तरीके से है। तमाम जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, छठ पूजा लड़की के जो परिवार हैं वो कहते हैं कि छठ पूजा को लेकर थोड़ा इशू होता है कि लड़की को भेजने का इशू होता है या फिलहाल में टाइम का इशू आ रहा होता है लड़के के पास। लेकिन और अगर लड़की की दादी की वजह से पूछें तो दोनों में शायद लड़ाई वड़ाई भी हुई होती है। तो लेकिन ये पूरी जाँच का विषय है, क्या सच निकल के आता है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल के तौर पर बने रही हमारे साथ, आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।